हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं यश आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर, जहां पर रोज़ हम आपके लिए एक नई नई खबर लेके आते हैं। पर आज बहुत ही दुखद खबर लेके आए हैं आप सभी के लिए। तो खबर यह है कि एक 16 साल के युवक ने ट्रेन के नीचे आके अपनी जान दे दी। जी हाँ, एक 16 साल के युवक ने अपनी ट्रेन के नीचे आके जान दे दी। पर उससे भी ज़्यादा चौंका देने वाली खबर यह है कि अंतिम क्षणों में युवक के हाथ में थी एक चिट्ठी जिसमें पीएम मोदी का जिक्र हुआ था। तो आइए इस पर रोशनी डालते हैं। तो दोस्तों, अगर कोई खुश नहीं है तो उसके आखिरी निर्णय इस दुनिया से चले जाना ही नहीं बल्कि इस दुनिया में रहकर उसे सही करना भी हो सकता है। हाल ही में मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में रहने वाले एक बच्चे ने ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे दी। दुनिया से जाते समय उसने एक चिट्ठी लिखी थी जिसमें पीएम मोदी का जिक्र हुआ था। तो क्योंकि दुनिया को अलविदा कहकर चला गया युवक। आइए इसके बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। पर उससे पहले, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट आप सब तक मिलते रहें। हम जिस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं वह केवल 16 वर्ष का था। जी हाँ, उसकी उम्र केवल 16 वर्ष थी। 16 साल का यह युवक रेल के नीचे आके उसने अपनी खुद की जान दे दी। लड़का 11वीं क्लास में पढ़ता था। वह लड़का मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर का रहने वाला था। झांसी रोड पर मौजूद एक पुलिस स्टेशन के संजीव नारायण ने जानकारी देते हुए कहा है कि बच्चे ने बीते रविवार को ट्रेन के नीचे आकर अपनी जान दे दी। ट्रेन की रफ्तार बहुत तेज थी, इसलिए कोई व्यक्ति उसे उठाने नहीं जा सका। आपको बता दें कि जाते समय इस युवक ने एक नोट भी लिखा है। नोट के माध्यम से इस बात की जानकारी मिली है कि वह युवक एक डांसर बनना चाहता था। डांसर बनने के लिए उसके घर से उसे कोई भी सहमति नहीं मिली थी, इसलिए वह खुश नहीं था। इस काम के लिए ना तो उसे अपने परिवार से कोई सपोर्ट मिल रहा था, ना ही उसे कोई दोस्त उसे सपोर्ट कर रहा था। अपने सपने को अधूरा होता नहीं देख पाए युवक। आखिर में उसने अपनी जान दे दी और आखिर में वह भारत के प्रधानमंत्री को एक प्रधानमंत्री का नाम लिखते हुए इस दुनिया से अलविदा कह गया। नोट में पीएम मोदी का नाम लिखते हुए यह कहा युवक ने कि वह एक डांसर बनना चाहता था और उसके जैसे और भी बहुत से बच्चे डांसर बनना चाहते हैं, उन्हें उनके परिवार वाले सपोर्ट नहीं कर पाते। युवक ने लिखा कि मोदी जी को एक म्यूज़िक वीडियो बनाना पड़ेगा जिसमें मशहूर गायक अरिजीत सिंह जी की आवाज़ दी जाए और उसमें डांस की कोरियोग्राफी नेपाल कलाकार सुशांत खत्री करें। युवक ने यह भी कहा है कि जब तक पीएम मोदी उसकी म्यूज़िक वीडियो की मांग नहीं पूरी करते तब तक उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। तो क्या होगी इस युवक की मांग पूरी? आपकी इसके बारे में क्या राय है हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।